नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से पोस्टर स्टडी की एक और क्लास में गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग शुरू करेंगे आज की क्लास को हम दो मिनट के अंदर तो आवाज़ आ रही है कि नहीं आवाज़ वो बता दें आप हेलो हाउ आर यू सर हम अच्छे हैं आप बताएं आप कैसे अंजू जी ठीक है तो शुरू करेंगे हम अपनी क्लास को आप लोग बता दें आवाज़ आ रही है कि नहीं ताकि कन्वीनट रहे हमारे लिए कि ताकि मैं बोलता ना रहूं और आगे कोई सुनने वाला ना हो ऐसा ना हो जैसी आज की हमारी वीडियो भी हो गई थी है ना हमने रिकॉर्ड कर दिया सर ने वो बिना सुने डाल दिया पर उसमें आवाज़ ही नहीं था ठीक है चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को और आ, हमारा जो न्यू बैच है वो कम आ रही है ओके okay. कम नहीं आएगी ठीक आएगी मैम कोई दिक्कत नहीं ठीक है तो हमारा जो न्यू बैच है वो पच्चीस तारीख से शुरू हो रहा है पच्चीस मई से अगर आप में से कोई भी जुड़ना चाहता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जो कि एट फाइव एट जीरो एट सेवन टू फोर थ्री वन है तो आप उसमें बिल्कुल कॉन्टेक्ट करें अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आज की जो वीडियो थी वो आपको दोबारा मिल जाएगी कल तक पर उस वीडियो का सारा मोटा माटा यही है कि जो आपके दो हज़ार अठारह से दो हज़ार इक्कीस तक ठीक है एक अप्रैल दो हज़ार अठारह से इकतीस दिसंबर दो हज़ार इक्कीस तक, तक। अठारह से इक्कीस तक जितनी भी खाली पोस्टें बची हुई थी एम और पोस्टमैन मेल गार्ड की आ, उन सभी की नोटिफिकेशन इंफॉर्मेशन सेंटर को भेजी गई डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से ये फैसला लिया गया 2022 की जो भर्तियां होगी उनमें उन सभी को भी ऐड किया जाएगा तो आपके पास ज़्यादा पोस्ट है इस बार ज़्यादा पोस्ट है तो ज़्यादा चांसेस है सर्वाइविंग के है ना पर हम नहीं चाहते कि आप सर्वाइव करें हम चाहते हैं कि आप अच्छे से पास हो उसमें ताकि अगर वो पोस्टें भी ना होती तो भी आपका होता है ना हम अच्छे से तैयारी करेंगे मैम ऑनलाइन कोचिंग मैम हम तो ये कहेंगे बिकॉज़ कि बहुत सारे सोर्सेज से आप इंफॉर्मेशन जब गैदर करते हो बहुत अच्छा भी होता है कई बार और कई बार बहुत ज़्यादा मैसी भी हो जाता है क्योंकि सब कुछ आपके पास एक मैस हो जाता है इकट्ठा बहुत लोगों का और उसमें से कंक्लूज़न निकालना मुश्किल हो जाता है कि क्या सही रहेगा फिर ठीक है तो जो आपको अच्छा लगता है जो आपको अपने सामने दिख रहा है कि हाँ ये अच्छा है अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है आप उसको चूज कीजिए पच्चीस तारीख से शुरू होगा एक जून से नहीं करेंगे हम शुरू पच्चीस तारीख से शुरू करेंगे शुरू करेंगे आज की क्लास को पहला पहला क्वेश्चन है आपके पास हाउ ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल इज पोस्टेड आधिकारिक डाक लेख को कैसे पोस्ट किया जाता है चार ऑप्शन आपके पास है उसके लिए चार नहीं है सॉरी तीन ही ऑप्शन है चौथा आप खुद से जोड़ लीजिएगा द लेटर इज सब्सक्रिप्ट सुपरस्क्रिप्टिड विद ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस ओ भी बोलते हैं जिसको एंड द सुपरस्क्रिप्शन इज़ सपोर्टेड बाय द सिग्नेचर एंड ऑफिशियल डेजिग्नेशन टू बी एंटर्ड इन द लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द आर्टिकल ठीक है और ऑप्शन नंबर बी है द लेटर इज़ सुपरस्क्रिप्टिड विद ऑन पोस्टल गवर्नमेंट सर्विस And the superscription is supported by the signature and official designation uh, to be entered in the lower left hand corner of the article. Uh, option number C hai. Uh, Rajai SH, hello sir. How are you? I am Karn okay. Now I am working as PA. Thank you for postal study. Uh, thank you, Rajai SH Sir. Uh, congratulations for your promotion. बाकी हम चार ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है ठीक है तो यहाँ पे तो आ, राइट आंसर का यही पता लग गया होगा जहाँ पे ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस है और ऑन ऑन पोस्टल गवर्नमेंट सर्विस तो ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस होता है जब कोई भी आधिकारिक पोस्टल स्टैम्प्स का यूज़ करने वाला आ, भेजता है उच्च अधिकारी अगर वो यूज़ करने के लिए नहीं है तो सर्विस होता है ना सर्विस स्टैम्प यूज़ करते हो ऑन सर्विस होता है फिर आगे बढ़ेंगे द पोस्टेज चार्जेबल ऑन डिलीवरी ऑन द डिलीवरी ऑफ पोस्ट ऑफिशियल पोस्टल वेन द पोस्टेज इज इनसेफिशेंटली पेड ठीक है चार ऑप्शन है राइट right आंसर आपको बताना है इक्वल टू द प्रीपेड रेड डबल टू द डेफिशियंसी इक्वल टू डेफिशियंसी या फिर नन ऑफ दिस चार ऑप्शन uh, है हाई सर गुड इवनिंग हाव यू हम बच्चे हैं शैली जी आप बताएँ आप कैसे ठीक है हम बहुत हाँ अब हम सही है ठीक है पिछले हम दो चार दिनों में क्लास नहीं लगा पाए थे आई होप कि आप लोग समझ आप लोग हैं हमारी भी मुसीबत को क्यों नहीं सम <laughs> क्यों नहीं हम लगा पा रहे थे है ना मैंने व्हाट्सएप में मैसेज भी किया था ग्रुप में क्यों नहीं हो पा रही है तो आप सब कुछ शॉर्ट हो गया है तो क्लासेस दोबारा से चालू हो जाएगी हो चुकी है सॉरी ऑप्शन नंबर सी इक्वल टू डेफिशिएंसी कह रहे हैं ठीक है इक्वल टू डेफिशिएंसी बिल्कुल सही है ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल में जब इनसेफिशियंटली पेड किया जाएगा किसी भी उसको तो इक्वल टू डेफिशंसी होगा ठीक है जो भी कमी है उसके बराबर आगे बढ़ेंगे द ऑफिशियल पोस्टल सैंपल पैकेट पोस्टेड बाय प्राइमरी हेल्थ यूनिट वैवेंटी ग्राम्स बियर नो पोस्टेज एफिक्स डोनिट विल बी चार्ज ऑन डिलीवरी एज फॉलो प्राथमिक स्वास्थ्य इकाई द्वारा पोस्ट किया गया आधिकारिक डाक नमूना पैकेट जिसका वजन 70 ग्राम है उस पर कोई डाक शुल्क नहीं लगा है वितरण पर निमानुसार शुल्क लिया जाएगा चार ऑप्शन है आर ए सेवन रुपीज फोर्टीन रुपीज नीड नॉट टू तो बी टेक्सट और नो पोस्टेज इज रिक्वायर्ड चार ऑप्शन है राइट आंसर आपको बताना क्या रहेगा सर कोशिश करें कि क्वेश्चन का आंसर भी हिंदी में हो इंग्लिश मेरा वीक है बाबलू कुमार सिंह तो सर इसके लिए हाँ हम हिंदी में बताते हैं आंसर हम बताते हैं हिंदी में आप सुन लें उसके लिए अब ये सब हमने बना रखी है सीरीज़ तो अब उसको एडिट करना मुश्किल हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है आर एस सेवन रुपीज़ क्लॉज नंबर वन नाइन्टी नाइन पार्ट वन उसका सब सेक्शन वन आप पढ़ सकते हैं इसके लिए आराम से पढ़िएगा इसके बाद गवर्नमेंट ऑफिशियल हु आर ऑन लीव और हैव रिटायर्ड फ्रॉम द सर्विस आर एंटाइटल टू यूज़ सर्विस स्टेम्स सरकारी अधिकारी जो छुट्टी पर है या सेवा से निवृत्त सेवा निवृत्त हो चुके हैं वे सेवा टिकटों का उपयोग करने के हकदार है क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है चार ऑप्शन है दस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट स्टेटमेंट सही है ऑप्शन नंबर बी कहता है कि स्टेटमेंट गलत है ये सी कहता है इफ इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोस्ट मास्टर कंसर्न ठीक है कि जो भी पोस्ट मास्टर कंसर्ट है उनके विवेक पर निर्धारित करता है या फिर इनमें से कोई भी नहीं तो इनका रेक्ट है बिल्कुल सही अबू जी बिल्कुल आगे बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ क्लॉज नंबर दो सौ पीओ एट पार्ट वन देख सकते आप अलेटर पोस्टेड बाय अ तहसीलदार प्रीपेड ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल इन अकॉर्डेंस विद द विद ऑल द कंडीशन एंड एड्रेस टू अ प्राइवेट इंडिविजुअल और ओकेशन एसोसिएशन सॉरी विल बी ट्रेडेड एज फॉलो एक तहसीलदार प्रीपेड अधिकारी द्वारा डार्क लेक सभी शर्तों के अनुसार और एक निजी व्यक्ति या संघ को संबोधित एक पत्र को निम्न का निमन अनुसार माना जाएगा चार ऑप्शंस है विल नॉट बी ट्रेडेड एज ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल विल भी ट्रेडेड एज ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल विल भी ट्रेडेड ट्रेडेड एज अनपेड आर्टिकल या फिर मैन ऑफ दीज ऑफिशियल की तरह ही ट्रीट किया जाएगा बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर बी ठीक है तहसीलदार भेज रहे चाहे वो किसी इंडिविजुअल को भेजे चाहे वो किसी अदर uh, एसोसिएशन को भेजे तो वो ऑफिशियल ही माना जाएगा आगे बढ़ेंगे ठीक है अ लेटर इज पोस्टेड एज सर्विस अनपेड बाय अ प्राइवेट इंडिविजुअल एड्रेस टू अ गवर्नमेंट ऑफिसर इफ द लेटर इज रिफ्यूज बाय द कंसर्न ऑफिसर इट विल बी ट्रेटेड एज फॉलो एक निजी व्यक्ति द्वारा एक सरकारी अधिकारी को संबोधित एक पत्र सेवा अवैतनिक के रूप में पोस्ट किया जाता है यदि संबंधित अधिकारी द्वारा पत्र को स्वीकार कर दिया जाता है तो इसे क्या माना जाएगा सिंगल डेफिशिएंसी विल बी कलेक्टेड डबल डेफिशिएंसी विल बी कलेक्टेड डिलीवर्ड फ्री और नन ऑफ दीज चार ऑप्शंस हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है सिंगल डेफिशिएंसी विल बी कलेक्टेड ऑप्शन नंबर ए ठीक है क्योंकि जितने भी सरकारी अधिकारी होते हैं उनको अगर कोई भी आर्टिकल आया है और वो अनपेड है दे आर बाउंड टू पे द ड्यूज ठीक है ये हमने पढ़ा है पीओाइन पार्ट वन में ही ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल में ही आगे बढ़ेंगे इज हुईज टू ऑर्डर द अमाउंट ऑफ पोस्टेज ड्यू एज एंटर्ड इन द फिगर ऑन ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल आधिकारिक डाक लेख पर दिए गए आंकड़े में दर्ज की गई दे डाक की राशि को बदलने के लिए कौन अधिकृत है हु इज ऑथोराइज टू ऑल्टर फिगर्स ऑन ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल चार ऑप्शन है आपके पास पहला ऑप्शन कहता है डिलीवरी पोस्टल असिस्टेंट दूसरा ऑप्शन कहता है कि पोस्ट मास्टर या फिर जो भी अदर ऑफिसर है ऑथोराइज ऑफिसर ऑफिस ऑफ डिलीवरी के वो या फिर पोस्टमैन बीट के या फिर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस यस सर यू कैन टेल अस व्हाट इज योर प्रॉब्लम शुभम पॉल पोस्टमास्टर और अदर ऑफ ऑथराइज ऑफिसर बिल्कुल सही है ऑफिस ऑफ डिलीवरी के ऑप्शन नंबर आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कहता कैम बैग शुड नॉट कंटेन द फॉलोइंग कैम बैग में निम्नलिखित नहीं होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए बैग में पार्सल वैल्यूपेबल पोस्ट इन शॉर्ट लेटर या फिर इनमें से सब कुछ चार ऑप्शन है आपके पास राइट right आंसर आपको बताना क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर एट ऑल ऑफ दी अबव ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है क्लॉज नंबर 205 सौ पाँच प्यो गाइड पार्ट वन सेक्शन थ्री भी है उसमें वहाँ पे आप देखेंगे इसे ठीक है आगे बढ़ेंगे कैंप बैग ऑफ हायर ऑफिसर्स बुकड एज लेटर मेल अभी बी चार्ज एज फॉलो लेटर मेल के रूप में बुक किए गए उच्च अधिकारियों के कैम्प बैग नियमानुसार प्रभारित किए जाएंगे चार ऑप्शन है किसके अनुसार लेटर मेल चार्ज प्लस रजिस्ट्रेशन चार्ज प्लस इंसिडेंटल चार्ज लेटर मेल चार्ज प्लस रजिस्ट्रेशन चार्ज या फिर लेटर मेल चार्ज ओनली या फिर इनमें से कोई भी नहीं चार ऑप्शनस हैं आपके पास वैसे हर एक क्वेश्चन के लिए चार ऑप्शन होंगे कोई कोई क्वेश्चन होते हैं जिनमें चार ऑप्शन नहीं दिए होते हैं वो भी सिर्फ हम ही करते हैं आपको डिपार्टमेंट की तरफ से पूरे चार मिलेंगे ठीक है तो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है आ, लेटर मेल और लेटर मेल की जो चार्जेस है वो लिए जाएंगे प्लस रजिस्ट्रेशन चार्ज लिया जाएगा उसमें ठीक है अगर कोई भी कैंप बैग जो है हायर ऑफिसर्स का वो किया बुक किया जाता है लेटर मेल के तौर पर तो आगे बढ़ेंगे हम कैंप बैग ऑफ हायर ऑफिसर बुक टेज पार्सल विल बी चार्ज एज फॉलो ठीक है तो अब अगले में आ जाते अभी हमने लेटर मेल के रूप में बुक कर दिया था कैंप बैग को हायर ऑफिसर के अब बुक कर दिया है पार्सल के रूप में तो क्या चार्ज लिया जाएगा उसमें चार ऑप्शन है इसके लिए भी लेटर मेल चार्ज प्लस रजिस्ट्रेशन चार्ज प्लस इंसिडेंटल चार्ज लेटर मेल चार्ज प्लस रजिस्ट्रेशन चार्ज या फिर ऑप्शन नंबर सी ओनली लेटर मेल चार्ज या फिर ऑप्शन नंबर डी टेन का ए बिल्कुल सही है इंसिडेंटल चार्ज लिया जाएगा इसमें विद रजिस्ट्रेशन चार्ज ऑल्सो आगे बढ़ेंगे हाउ मैनी लेबल्स आर यूज़ इन कैम्प बैग ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ठीक है तो आपको ये भी बताना है कि कौन कौन से लेबल लगे होते हैं दो जो लेबल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं सॉरी hmm. ठीक है आई थिंक मैंने बता दिया है कौन कौन से label, कितने लेवल होते हैं आप ये बता दें कि कौन कौन से लेबल लगे होते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन कितने लेबल्स लगे होते हैं दो लेबल लगे होते हैं अबू जी बिल्कुल सही है आगे बढ़ेंगे हम आप बताएं कौन कौन से लेबल लगे होते हैं अगला क्वेश्चन देखेंगे तब तक एड्रेस एंड टैग लेवल बिल्कुल सही है द फॉलोइंग ऑफिसर इज एन टाइटल टू द प्रिवलेज ऑफ स्पेशल बैग्स एंड कैंप बैग्स ठीक है निम्नलिखित अधिकारी विशेष बैग और कैंप बैग के विशेषाधिकार के हकदार हैं कौन कौन से डी पोस्ट सी रीजनल पी या फिर इनमें से कोई भी नहीं कौन कौन इनमें से कौन सा अधिकारी जो है वो कैंप बैग और विशेष बैग का विशेष अधिकार रखते हैं डीजी पोस्ट बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर है डीजी। ठीक है डीजी ऑफ और पोस्ट पूरा बोलेंगे हम क्योंकि यह भी हमने पढ़ा है ऑफिशियल में ही ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल में जब भी आप उनका ऑफिशियल्स को उनका एड्रेस लिखेंगे या फिर उनकी पोस्ट लिखेंगे तो आप पूरे में लिखेंगे आगे बढ़ेंगे द फॉलोइंग हाई ऑफिसर्स आर आर नॉट इन टू इन्जॉय द प्रिवलेज ऑफ स्पेशल बैग्स वाइल दे आर ऑन टूर निम्नलिखित उच्च अधिकारी दौरे पर रहते हुए विशेष बैग के विशेष अधिकार का आनंद लेने के हकदार नहीं है कौन नहीं है चार ऑप्शन है। द प्रजिडेंट ऑफ इंडिया ऑल द गवर्नर्स ऑफ द स्टेट्स या फिर ऑल द सी पी एम जी ऑफ द सर्कल्स और नन ऑफ दब इनमें से कोई भी नहीं या फिर ऑल ऑफ दोड़ दीजिए आप पाँचवें ऑप्शन दे रहे हैं आपको ठीक है सी पी एम जीज ऑफ सर्कल ठीक है ऑल द सी पी एम जीज ऑफ सर्कल सर पर्पज ऑफ डी जी पोस्ट सर दे आर इज नो पर्पज ऑफ डी जी पोस्ट ही इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्ट उनका काम है सब को हैंडल करना पूरे डिपार्टमेंट का आगे बढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल बिल्कुल सही अबू जी थैंक यू सो मच असिस्टेंस के लिए आगे बढ़ेंगे हम टू वूम द टूर प्रोग्राम ऑफ द प्रेजिडेंट एंड ही इज़ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर क्लोजिंग कैंप बैग स्पेशल बैग विल बी सेंट कैंप बैग और विशेष बैग बंद करने के लिए राष्ट्रपति और उनके मंत्री परिषद का आ, दौरा कार्यक्रम किसी भेजा जाता है चार ऑप्शन है हमारे पास कंसर्न पोस्ट ऑफिस को भेजा जाता है कंसर्ट हेड ऑफ द सर्कल को भेजा जाता है या फिर डी पोस्ट न्यू डेली को भेजा जाता है या फिर इनमें से किसी को भी नहीं भेजा जाता है वो चुपचाप चले जाते हैं किसी को बिना बताए क्वेश्चन नंबर फोर्टीन ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है डीजी पोस्ट न्यू दिल्ली को भेजा जाएगा अगर प्रेसिडेंट या फिर उनके काउंसिल मिनिस्टर्स आ रहे आगे बढ़ेंगे हम टू होम टूर प्रोग्राम ऑफ द गवर्नर ऑफ अ स्टेट फॉर क्लोजिंग कैंप बैग और स्पेशल बैग विल बी सेंट ठीक है कैंप बैग बंद करने और राज्य के राज्यपालों का दौरा जो कार्यक्रम भी है उनका जो भी है उन सभी का टूर प्रोग्राम किसे भेजा जाएगा कंसर्न डिविजनल हेड को कंसर्न हेड ऑफ सर्कल को या फिर डीजी पोस्ट को भेजा जाएगा ये भी या फिर इनमें से किसी को भी नहीं भेजा जाएगा वो भी चुपचाप ही चले जाएंगे चार ऑप्शन से आपके पास राइट आंसर आपको बताना है ठीक है बिल्कुल सही है फिफ्टीन का भी कंसर्न हेड ऑफ़ द सर्कल को यानी कि वहाँ के चीफ पोस्ट मास्टर जनरल को जहाँ पे भी वो जा रहे हैं आगे बढ़ेंगे टू वूम द टूर प्रोग्राम ऑफ़ द डीजी पोस्ट फॉर क्लोजिंग कैंप बैग और स्पेशल बैग विल बी सेंट ठीक है अभी हमने देख लिया प्रेसिडेंट आए गवर्नर आए और प्रेजिडेंट के मिनिस्टर्स आए अब हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्ट दौरे पर निकल रहे हैं तो वो किसे भेजेंगे अपना टूर प्रोग्राम यस सर यू कैन फ्रीली आस्क कंसर्न डिविज़नल हेड ऑल हेड ऑफ द सर्कल्स डीजी पोस्ट या फिर ऑल एच ओ सी ऑफ सर्कल बिल्कुल सही है एच ओ सी ऑफ सर्कल बिल्कुल सही है हेड ऑफ द सर्कल हेड ऑफ द सर्कल हाँ वही तो बोला था आगे बढ़ेंगे ठीक है वट आर द जनरल प्रोहिबिशन फॉर ट्रांसमिशन बाय इंग्लैंड पोस्ट अंतर्देशीय डाक द्वारा संचरण के लिए सामान्य निषेध क्या है एनी थिंग विच इज सेंट इन कॉन्ट्रवेशन ऑफ एनी क्या ये इनैक्मेंट फॉर द टाइम बींग इन फोर्स ठीक है एनी थिंग इंडिसेंट और ऑबसेंस आर्टिकल ठीक है एनी थिंग एक्सप्लोसिव इनफ्लेमेबल डेंजरस फिल्टी

और अब दी हवा बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर एफ ठीक है छ ऑप्शन थे कि इसमें आगे बढ़ेंगे आगे से हम ऑप्शन नहीं देंगे विच वन इज प्रोहिबिटेड आर्टिकल फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसमिशन बाय द इंडिया पोस्ट ठीक है विच इज द फर्स्ट पोस्ट इज स्टैम्प ऑफ इंडिया शुभम अगर आप कह रहे सत्रह क्वेश्चन गलत है आई थिंक आपने गलत लिख दिया था सर कुछ और लिखना चाहते थे आप ठीक है अठारह क्वेश्चन नंबर है विच वन इज़ प्रोहिबिटेड आर्टिकल फॉर द पर्पज़ ऑफ़ ट्रांसमिशन बाई इंग्लैंड पोस्ट चार ऑप्शन है आपके पास एनी इनडेसेंट फोटोग्राफ एनी डिसेंट फोटोग्राफ रेलवे टिकट या फिर नन ऑफ दी अब एटीन का ए बिल्कुल सही है एनी इनडिसट फोटोग्राफ ऐसा फ़ोटोग्राफ कोई भी अगर आप भेज रहे हैं जो कि अच्छा नहीं है अभद्र है या फिर कुछ भी हो सकता है उससे तो वो नहीं हो सकता है <coughs> आगे बढ़ेंगे नो पर्सन शेल सेंड बाय पोस्ट कोई भी व्यक्ति डाक से नहीं भेजेगा या फिर भेज सकता है चार ऑप्शन है इसके लिए ज्यादा नहीं है ऑल पोस्टल आर्टिकल हैविंग देयर ऑन और ऑन द कवर देयर ऑफ एनी वर्ड और मार्क ठीक है ऑल पोस्टल आर्टिकल हैविंग देयर ऑन डिजाइंस और एन Indecent, obscene, uh, seditious character. Any postal artic article having their own... Uh, uh, their own scrupulous, threatening or grossly offensive character. If the option under B and C are correct. सिंडे डॉग फर्स्ट इंडियाज फर्स्ट पोस्टिंग स्टैम्प सिंडे डॉक लॉन्च इन कराची इन 1852 क्वीन विक्टोरिया फोटो वाज इंस्क्राइब्ड ठीक है बिल्कुल सही है अबू जी एटीन में हुआ था है ना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर बी और सी करेक्ट है ठीक uh, है वो प्रोहिबिशन में नहीं आता है फिर आगे बढ़ेंगे आखिरी क्वेश्चन आखिरी नहीं है ठीक है अलिविद अ अदर देन स्पिरिट ठीक है टर्पाइन टर्पाइन है ठीक है एंड टर्पाइन एंड प्रोडक्ट ऑफ वार्निशेस इज कंसिडर्ड इनफ्लेमेबल विच हैज़ इट्स फ्लैशिंग पॉइंट बिलो एक तरह स्क्रिप्ट तारपीन और वार्निश के उत्पाद के अलावा कुछ ज्वलनशील माना जाता है जिसका जो फ्लैश पॉइंट है जिस पे उसे आग लग सकती है वो बिंदु इससे कम हो 200 डिग्री ढाई सौ डिग्री और इनमें से कोई भी नहीं चार ऑप्शन है राइट आंसर आपको बताना है क्या है शुभम पतिदार कह रहे एग्ज़ाम में कॉरेक्ट आंसर अपडेट वाला होगा या पीओ गाइड पा पी गाइड वाला सर पीओ गाइड पीओ गाइड क्या है सर आप ये बताओ मेरे को पहले पीओ गाइड है क्या ठीक है टू हंड्रेड डिग्री बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर ए आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन पे ठीक है पहले मेरे को ये कोई आखिरी क्वेश्चन है ये बोनस क्वेश्चन है पीए एग्जाम के लिए एज लिमिट क्या है सर ठीक है एस के लिए पूछ रहे आपकी या। आ, जो जी के लिए है पी की जो एज लिमिट है थर्टी इयर्स जनरल के लिए है और एस सी एस टी के लिए थर्टी फाइव और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस एस के लिए थर्टी थ्री है ठीक है तो आ, क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन वन पर्सन वॉन्ट्स टू सेंड अ पिस्टल टू हीज फ्रेंड बाय इंडिया पोस्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है तो ये सिर्फ ऐसे ही फन फन में डाल दिया है क्वेश्चन ठीक है ही इज अलाउड एज एनी थिंग कैन बी सेंट थ्रू पोस्ट ठीक है ही हैज टू बुक सच आर्टिकल अंडर इंश्योर्ड आर्टिकल नो दिस आर्टिकल इज प्रोहिबिटेड टू फॉर ट्रांसमिशन ठीक है तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है पिस्टल नहीं भेज सकते आप बाय पोस्ट ना ये तो फिर बहुत ही ज़्यादा गलत हो जाएगा ये बस ऐसे ही फैन फन में डाल दिया था आप कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट भी नहीं भेज सकते हो अगर आप उसने उसको आपने प्रॉपरली कवर नहीं किया है तो ठीक है ये हमने पढ़े हैं पीओ गाइड पार्ट वन में बाकी अभी कोई पूछ रहे थे अपडेटेड आएगा कि पीओ गाइड पार्ट वन वाला आएगा देखिए सर पीओ गाइड पार्ट वन जो आपके पास पी डी एफ्स है ऑनलाइन वो नाइनटीन एटीज़ के है वो टू थाउजेंड अर्ली टू थाउजेंड के हैं वो है ना आज से दस पंद्रह साल पे पुराने बीस साल पुराना है वो जो गूगल पे आप डाउनलोड करते उसमें रूल्स है बहुत सारी चीज़ें जो है सेम ही है अभी तक जो चेंज नहीं हुई जैसे कि रूल्स हो गए पर कुछ चीज़ें ऐसी है जो उस टाइम से लेकर चेंज हुई है अब दो साल पहले विनीत पांडे जी हमारे सेक्रेटरी तो अब हुए है।, <laughs> है ना डीजी पोस्ट हुआ करते थे ठीक है वो अब सेक्रेटरी हो चुके हैं पर आप क्योंकि आपने आपने अपनी किताब में डीजी विनीत पांडे पढ़ा है इसलिए आप विनीत पांडे नहीं लिख सकते उसको ठीक है क्योंकि वो आलोक शर्मा है वैसे ही जो चीज़ें अपडेट हो चुकी है आप उसे अपडेट डालेंगे पीओ गाइड पार्ट वन वाला नहीं डालेंगे क्योंकि वो पीओ गाइड पार्ट वन वाला ही है वो जब वो नया एडिशन देंगे आपको पीओ पोस्ट ऑफिस वाले अगर कभी तो उसमें वो सारी चीज़ें अपडेट होके ही मिलेगी वो पुरानी वैसी की वैसी ही नहीं लिखी जाएगी ठीक है अगर आप उसमें देखेंगे तो उसमें तो सर्कल भी सोलह है शायद एग्जाम में लास्ट अपडेट थर्टी फर्स्ट दिसंबर दो हज़ार इक्कीस तक पूछेगा या अप्रैल तक एग्ज़ाम में थर्टी फर्स्ट दिसंबर तक का पूछा जाता है ठीक है वो भी थर्टी फर्स्ट दिसंबर तक का वो पूछा जाता है आपका प्रोडक्ट एंड सर्विस और वो पोस्टल ऑर्डर्स ठीक है लास्ट ईयर तक का थर्टी फर्स्ट दिसंबर तक के पोस्टल ऑर्डर इस साल के जो पोस्टल ऑर्डर्स हैं नहीं वो नहीं पूछे जाएंगे पर जो चीज़ें इस साल अपडेट हो चुकी है अगर मान लीजिए कल के लिए आपके आलोक शर्मा जी रिप्लेस हो गए तो आलोक शर्मा नहीं लिखेंगे आप एग्ज़ाम में क्योंकि थर्टी फर्स्ट दिसंबर तक कौन था वो नहीं देखेंगे आप ठीक है ऐसा है कुछ चीज़ें बस ये है सर डाउट डिस्कशन में ज़्यादा रिप्लाई कर दिया करें सर डाउट डिस्कशन में मैं इसलिए रिप्लाई नहीं करता हूँ पता नहीं है आप कौन कौन कहाँ कहाँ से कौन कौन, कौन से क्वेश्चन उठा के ले आते एक क्वेश्चन का आंसर एक ही बार दे तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा वो और जो भी मुझे लगता है कि हाँ सही क्वेश्चन है उसका जिसका आंसर सही नहीं किसी ने पोस्ट किया तो वो हम बिल्कुल डाल देते हैं बाकी हाँ डाउट डिस्कशन में कोई पूछ रहा था कोई तो वो जो टेस्ट लिंक है आई डोंट थिंक कि वो हमारे टेस्ट लिंक है ना आप उनका लिंक भेज दो हमें हम देख लेंगे बाकी क्या है जो हमारे हैं हमने उनमें अपडेट है कुछ जिसमें हो जाता है गलत वो हम सही कर देते हैं बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि हम आपको गलत खिलाएंगे है ना क्योंकि तो अगर हम गलत आपको देने वाले होते तो इतने हाँ इतने लोग सेलेक्ट नहीं होते शायद ठीक है बाकी कल मिलते हैं हम बाकी कोई भी अपने दिल पे ना ले बाकी लाइक कर दे वीडियो को है ना था 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 था। बाकी मिलते हैं हम आपसे कल तब तक के लिए गुड नाइट सभी को बाकी नोट्स बनाते रहे अपने इट्स बेटर कि आप अपने अपडेटेड नोट्स खुद से बनाएं किसी और के भरोसे जा के वहाँ पे गिरने से ठीक है हेल्प ले सकते आप सोर्सेज की पर आप ये भी देख लें कि सोर्सेज आपकी क्रेडिबल होने चाहिए है ना बाकी गुड नाइट सभी को आज के लिए इतना ही था आज के सामने